सम्मान के पात्र बुजुर्गों, माताओं और बहनों, चंदा के सिक्के सोजन से किस्सा नरसी का भात भाग दो। जी हाँ, नरसी का भात भाग दो आपके सामने पेश है। बात उस वक्त से शुरू कि वो बुढ़िया जो सिरसागढ़ के घेरे में नरसी जी को मिली थी, वो यूं कहती है उन्हें नरसी जी को फटा पुराना भेस देके कि ये जो गौशाला का मड है ना टूटा फूटा सा, इसी में तुम्हारा एग्जाम कर रखा है मनसामल सेठ ने, तुम इसमें अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ। गाड़ी लेकर नरसी जी उस मड में पहुंच जाते हैं और वो बुढ़िया जब अपने घर पहुंचती है, घास की गठड़ी अपने घर पर घेरी और दौड़ती हुई मनसामल सेठ के यहाँ हरनंदी के पास पहुंचती है और इस बात के द्वारा हरनंदी से क्या कहने लगी भला।
सुना बेटी ने बीत बात का जिक्र सुना बेटी ने मन में पछाता परा ईश्वर मारी जला तन शीत नहीं मैं तो डाड डाडे घर में क्यों ही ना मेरा बापरा बता दिया मेरी सामी आते सुन का हमने पापरा जिगरा सुन के जिगरा सुन के अगल पड़ा सन सटी हुई बताड़ में राम ते बाहर दो दिए जंसा लाके मर गाड़ी दे मुस्कावे कोई गाड़ी दे मुस्कावे कोई चीज का डाव सामी कोई तो टेम बुरा बतावे चुल में टाड ठामी नीचे गर्दन हुई हर नंदी की सुन सुन ते बदनामी हे भगवान आज की खातिर क्यों दुनिया में जामी मंगल चुनकी मेहरबानों इस प्रकार इस बुढ़िया से जब अपने बाप का तंगे दस्ती का हाल सुनती है हरनंदी तो ख्याल होता है अपनी कुल की मर्यादा और कुल की लाज का कुछ जुनून भी आता है क्रोध में एकदम सोचने लगती है हरनंदी कि क्यों ना मैं अभी चल के गौशाला से अपने बाप को अभी क्यों ना भगा दी थोड़ा हाथ में उठा लेती है मेहरबानों जुनून और जोश में किस तरीके के हालात उसके दिल में संजोए हुए हैं और क्या सोचती है बाकी सब हवाला इस बात के द्वारा आपके सामने बुढ़िया की सुन बात हाथ में ओ बुढ़िया की सुन बात हाथ में कोड़ा ठा लिया ओ मेरे ससुर ने कुछ ना सोचियो दुख बुला लिया बुढ़िया की सुन बात हाथ में कोड़ा ठा लिया मेरे ससुर ने कुछ ना सोचियो दुख बुला लिया मेरे ससुर ने कुछ ना सोचियो दुख बुला लिया
बात करा थी अब भी दाढ़ी मारी किता नहीं यो मेरा दुश्मन है बनते चले अभिकारी। सखा संबंधी रिश्तेदार सब चुके दुनिया सारी गौशाला से अभी बताऊं ऐसी मन में धारी संतों की जमात साथ में संतों की जमात साथ में लेके आ लिया मेरे ससुर ने कुछ ना सोचियो झूठ बुला लिया ओ बुढ़िया की सुन बात बात में थोड़ा टालिया मेरे ससुर ने कुछ ना सोचियो झूठ बुला लिया मेरे ससुर ने कुछ ना सोची झूठ बुला लिया।
बताई, बुढ़िया ने सब वही हाल देखती। मंगल भरी क्रोध में बरसे गणमलाल देखती। मंगल भरी क्रोध में बरसे मलाल देखती। रंगडंग चाल देखती, रंगडंग चाल देखती। रघु नाथ मना लिया मेरे ससुर ने खुद ना सोचियो उसे बुला लिया। ओ बुढ़िया की सुन बात रात में, बुढ़िया की सुन बात रात में। थोड़ा ठा लिया मेरे ससुर ने कुछ ना सोचियो उसे बुला लिया। ओ मेरे ससुर ने कुछ ना सोचियो। मेहरबानों इस प्रकार हाथ में कोड़ा लेके हरनंदी पहुंच जाती है उसी गौशाला के मठ में। अजीब विडंबना है उस विधाता की। मेहरबानों नरसी जी जब अपनी लाडली की शान को देखते हैं खड़े हो जाते हैं हरनंदी को अपने सीने से लगाने के लिए। आंखों से प्रेम की अविगत अश्रुधारा बह रही है नरसी जी के मेहरबानों। लेकिन उधर उधर दूसरे तरीके देखा लाते हैं हरनंदी के दिल और दिमाग। कोड़ा उठाती है दुखारती हुई धिकारती हुई इस बात के द्वारा अपने बाप से क्या कहेंगे। बाप से बेटी लड़ने लगी, ओ बाप से बेटी लड़ने लगी और हाथ में कोड़ा ठाया। न्यू बोली तेरे शर्म रही ना मन लजावण आया। बाप से बेटी लड़ने लगी और हाथ में कोड़ा ठाया। न्यू बोली तेरे शर्म रही ना मन लजावण
साहूकार मेरे ससुर के आवे, समझी तुझे बता के अपना कैसे मन बढ़ावे। ओ बड़े बड़े सेठ साहूकार मेरे ससुर के आवे, समझी तुझे बता के अपना कैसे मन बढ़ावे। ओ, 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 ओ मारे शर्म के हम मर जावे, मारे शर्म के हम मर जावे, तू ना जा बाप बताया, नू बोली तेरे शर्म रही ना मन लजावण आया। बाप से बेटी लड़ने लगी और हाथ में कोड़ा खाया, बोली तेरे शर्म रही ना मन लजावण आया। महात्मा सारे हर नंदी न ललकारे, दो चार गोरड़े खींच खींच के अपने बाप के मारे। संत संत महात्मा सारे हर नंदी न ललकारे, दो चार गोरड़े खींच खींच के अपने बाप के मारे। ओ, 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 ओ भाती न तम हमें लजारे, भाती न तम हमें लजारे, क्यों आके मुंह दिखाया, क्यों बोली तेरे शर्म रही ना मन लजावण आया। बाप से बेटी ही लड़ने लगी और हाथ में कोड़ा खाया, न्यू बोली तेरे शर्म रही ना मन लजावण आया। किसे बिना रूपे मंगल सच्ची नियत बांध के ज्ञान लगा ले हर रूपे। कह रघुनाथ ईसा टोटा मत पढ़ियो किसी बिना रूपे, मंगल सच्ची नियत बांध के ज्ञान लगा ले हर रूपे। बेटी ने खुद अपने घर पे, बेटी ने खुद अपने घर पे बाप का मन घटाया, न्यू बोली तेरे शर्म रही ना मन लजावण आया। बाप से बेटी ही लड़ने लगी और बाप से बेटी ही लड़ने लगी और हाथ में कोड़ा खाया, न्यू बोली तेरे शर्म रही ना मन लजावण आया। न्यू बोली तेरे शर्म रही ना। मेरे मेहरबानों, इस प्रकार हरनंदी
हाथ में कोरोड़ा लेके लड़ रही है अपने पिता। कैसी अजीब सी बात है मेहरबानों, इस गरीबी में रिश्ते नाते और धर्म की गर्दन को किस कदर मोड़ के रख दिया। रोते हुए नरसिंह अपनी बेटी से यूं कह रहे हैं, बेटी तू ऐसा जुल्म मत कर। लेकिन हरनंदी के दिल और दिमाग पर तो भूत सवार था अपनी मान मर्यादा अपने कुल की लाज का। दोरानी जेठानी अगड़ पड़ोसन सायस पीतस सास ननंद ये सब मुझे क्या कहेंगे तेरा हाल देखते। क्रोध में काफूर कैसे कैसे बोल कह रही है और नरसी जी किस तरीके से समझा रहे हैं अपनी लाडली को। दोनों के सवाल जवाब किस प्रकार। मेहरबानों इस प्रकार कोरड़ा उठा रही है अपने बाप पे हरनंदी और नरसी जी अपनी लाडली से इस बात के द्वारा क्या कह रहे हैं, क्या जवाब दे रही है हरनंदी। ए हरनंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। फिर सागर पे चाल्या जहमने अपनी जान दिखावे ना। ए हरनंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। फिर सागर पे चाल्या जहमने अपनी तेरी जा मर्यादा टूट लाडली है, जा मर्यादा टूट लाडली है मेरा हाथ लगाने से। कौन से ताज बांध दिए आके लाज गई तेरे आने से। ये संत महात्मा मेरे संग यारे मेरी बेटी डरो उलाने से। गौशाला से बाहर निकलना काम चल समझा अपने आपा मान घटाना देखे अपने आपा मान घटाना है कोई भी मर चावे ना। सिर सागर पे चल जमने अपनी शान दिखावे ना। ए हरनंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी जुलम कमावे ना। सिर सागर पे चल जमने अपनी शान दिखा मन के बेरा था इज्जत ने तू है के बेरा था इज्जत ने तू है स्त्रिया से खोएगी। न्यून सकी बिना ब्योतिहुल सी बदनामी होवेगी। मैं तो न्यू आ जाके मेरी लाडली है बैठ बाट में जोएगी। सासू नड़न जिठानी जल तो मेरे जीवा से न रोवेगी। सासू नड़न जिठानी जल तो मेरे जीवा से न रोवेगी। हे आ
आखिर में तेरा बाप सु बेटी, आखिर में तेरा बाप सु बेटी, तू कोड़े मार भगावे ना। सिर सागर से चल हटा मने अपनी शान दिखावे ना। ए हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी, जुलम कमावे ना। सिर सागर से चल हटा मने अपनी शान दिखावे ना। तू सिर सागर से चल हटा मने अपनी शान दिखावे ना। नहीं बोले नरसी जी के बेटी, एक दो कोरिडे ये तो तुमने मार दिए, इनका कोई भी तो दुख नहीं है। आखिर तू मेरी संतान, बाल अगर कोई गलती कर देता तो माँ बाप का फर्ज होता है कि उसे माफ कर दे। क्या कहने लगे भला? हे तेरे गुनाह में, तेरे गुनाह में माफ करूं है, तू बेटी मैं बाप तेरा। बड़ी बनाई बात बिगाड़ी, खत्म हुआ तपता तेरा। दिखे धीरज धारे सबर कर मन में, है भला कर हरी आप तेरा। छोटे में मत होगी मारी, दिख रहा ढंग सा तेरा। दिखे छोटे में मत होगी मारी, दिख रहा ढंग सा। बस रात काट ले गौशाला में हम, रात काट ले गौशाला में, तुझे तड़के बेटी पावे ना। सिर सागर से चल हटा मने अपनी शान दिखावे ना। ए हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी, जुलम कमावे ना। सिर सागर से चल हटा मने अपनी शान दिखावे ना। यूं कहने लगे अगली बात में कि बेटी मैं अपने आप नहीं आया हूँ, तेरे ससुर मनसा मल ने चिट्ठी भेजी थी मेरे यहाँ, इसलिए आ गया। क्या कहने लगे भला? हे तेरे ससुर मनसा मल ने मैं तो चिट्ठी गेर बुलाया से। भात भरण का ब्योत नहीं क्यों भिक्षुक बन के आया से। दिखे मदनाया वो बिगाड़े मेरी है, तू तो तेरे की माया से। नहीं मानी अड़े से चल हजा तने आके मन घटा। दुनिया करे बुराई तेरी, दुनिया करे बुराई तेरी, है रीत की रीत घटावे ना। सिर सागर से चल हजा मने अपनी शान दिखावे ना। ए हर नंदी ले हाथ रोक मेरी बेटी, जुलम कमावे ना। सिर सागर से चल हजा मने अपनी शान दिखावे ना। तू सिर सागर धीरज धारे सबर कर मन में, धीरज धारे सबर कर मन में, क्यों खोटी बात विचार रही। अगड़ी पड़ो मेरे कसने मान रही। रघुनाथ गुरु का ज्ञान मान, क्यों कर मन में अहंकार रही। सुन के तारा रंग ढंग मेरी सास गणी चिलका रही। तू
जे मंगल मदद करे परमेश्वर, मंगल मदद करे परमेश्वर, और कोई लाज बचावे ना। सिर सागर से चल जमने अपनी शान दिखावे ना। ओ हरनंदी ले हाथ रोग मेरी बेटी जुलम कमावे ना। सिर सागर से चल जमने अपनी शान दिखावे। प्रकार मेहरबानों अपने बाप को फटकार रही है हरनंदी और नरसी जी के साथ जो संत महात्मा और मुनिया भाई आए हुए थे, वे हाथ पकड़ लेते हैं हरनंदी का और इस बात के द्वारा समझाने लगे, कैसे बोला नरसी जी के संके साथी सब मन में शरमाने लगे। हाथ पकड़ के हर नंदी का मिल के सब समझान लगे। नरसी जी के संके साथी सब मन में शरमाने लगे। हाथ पकड़ के हर नंदी का मिल के सब समझान लगे। क्रोध को त्याग शांति कर ले, कोड़े मार मत ना। आखिर मैं तेरा पिता से बेटी खोटी धार मत ना। धर्म की हानि हो जागी इसी बात विचार मत ना। सूरदास की बात मान बेटी ललकार मत ना। बेटी ललकार मत ना। खोटे शब्द उतार मत ना है। खोटे शब्द उतार मत ना। मरम की बात बताने लगे। हाथ पकड़ के हर नंदी का मिल के सब समझान लगे। मुंडिया भाई न्यू कहने लगी हरनंदी से, क्या बोला हाँ निर्धन हो चाहे धनवान बाप बेटी करे सत्कार सदा। बाप का आदर कर लो बेटी सुख में बसे परिवार सदा। बेटों से भी प्यारी बेटी क्या करे संसार सदा। बेटी की हो नरम आत्मा रह माँ बापा से प्यार सदा। माँ बापा से प्यार सदा। रक्षक कृष्ण मुरार सदा। रक्षक कृष्ण मुरार सदा। सब सुख की बात दर्शन लगे। हाथ पकड़ के हर नंदी का मिल के सब समझान लगे। फिर संत महात्मा, फिर संत महात्मा उठ के बोले बेटी दुख का ख्याल नहीं। तेरी ओर से मारे मन में
बिल्कुल कोई मलाल नहीं, तू जाने या हम जाने किसे और तक कोई सवाल नहीं, तेरे मन की चाही हो जा कसर कुछ छोड़ेंगे नंदलाल नहीं, छोड़ेंगे नंदलाल नहीं, हरि बिना प्रतिपाल नहीं, हरि बिना प्रतिपाल नहीं, न्यू संत प्रेम परेशान लगे, हाथ पकड़ के हर नंदी का मिल के सब समाधान लगे। मातु पिता से बढ़ के बेची, मातु पिता से बढ़ के बेची, कोई तीरथ और नहीं से परालब्ध के आगे किसे का चलता द्वार नहीं से, बिना उमंग मंगल मन का कभी नाचा मोर नहीं से, रघुनाथ कर्म का शोर जगत में और कोई शोर नहीं से, और कोई शोर नहीं से, सदा एक सा दौर नहीं से, सदा एक सा दौर नहीं से, नुकत के थन में जाने लगे, हाथ पकड़ के हर नंदी का मिल के सब समझान लगे, नरसी जी के संग के साथी सब मन में शरमान लगे, हाथ पकड़ के हर नंदी का मिल के सब समझान लगे। मेहरबानों इस प्रकार सभी संत महात्मा हर नंदी को समझाते हैं, दिल में कुछ धीरज रख के उल्टी चली आती है हर नंदी घर पे, तरह तरह के ख्यालात उभरते हैं उसके दिल और दिमाग, सोचने लगती है वास्तव में अगर तूने अपने बाप को बुरा भला कहा तो बहुत बुरा किया। हर नंदी मजबूर सी है लेकिन फिर भी कुछ धीरज सा बांध कर अपनी सासू से यूं कहने लगी कि चिट्ठी गेर के मेरे बाप को बुलवाया है, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, जब से वो गौशाला में आया उसकी खातिरदारी के लिए तुमने वहां जलपान नहाने धोने के लिए या कुछ भी आदर सत्कार के लिए कोई भी काम नहीं किया है, तो इस बात के द्वारा क्या कहने लगी भला। संत महात्मा री गैल पिता मेरा भात भरण ले आया ससू, संत महात्मा री गैल पिता मेरा भात भरण ले आया ससू, खान पानी स्नान करा दो, खान पानी स्नान करा दो, चिट्ठी गेर बुलाया ससू, संत महात्मा री गैल पिता मेरा भात भरण ले।
संत मां तुम्हारी गेले पिता मेरा बात भरण लाया साधु संत मां तुम्हारी गेले पिता मेरा बात भरण मेहरबानों, जब हरनंदी अपनी सास से कह रही है तो उसकी सास नायके को बुलाती है अपने पास और बुला के न्यू कहने लगी कि उनके लिए नहाने के लिए तू पानी ले जा और नायके इतना गर्म पानी ले जा और जो उसमें हाथ लगाते ही सारे मोजे जल जा और यहां से गौशाला से वे
फौरन चले जा अपना अपमान समझ के। किस तरीके से क्या करने लगी भला? ओ जतन बताऊ नाई के तने, ओ जतन बताऊ नाई के तने जो ये बात टल जा। जतन बताऊ नाई के तने जो ये बात टल जा। सेज गरम पानी ले जा जो, सेज गरम पानी ले जा जो, हाथ लगाते ही जल जा। भाती को न्याय नीच निकम्मे हम लजवण यारे, ऐसी मिली रिश्तेदारी पड़ पहुँच मुकद्दर मारे। तन पे वसर नहीं किसी के भस्मी गाते रमारे। जल्दी करो जतन नाई के ये मारी शान गटारे। इन्हें भगा दे जल्दी जाके, इन्हें भगा दे जल्दी जाके, कदे अब रेत में रल जा। जतन बताऊ नाई के मारे यारे प्यारे, मारे यारे प्यारे कट्ठे हो जा। जल बादल छावेंगे सगे संबंधी नाई के घर पे मारे आवेंगे। इनका हाल देखते हैं सारे मन में शर्मावे हैं।